अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारूक बलोच, बिजनेस जर्नलिस्ट समा डिजिटल। हमने अक्सर देखा है क्रिप्टो करेंसी की मार्केट के अंदर कि जब कोई बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है, कोई इवेंट होने जा रहा होता है, तो जिस कॉइन से रिलेटेड या जिस एसेट से रिलेटेड वो इवेंट होता है उसकी जो बेसिकली प्राइस है उसमें एक पंप देखने में आता है, या आप कह लें सर्ज देखने में आता है। और अक्सर ये होता है कि बिल्कुल जब इवेंट के करीब जाते हैं या वो इवेंट हो जाता है तो उसी दिन वो डंप भी हो जाता है और दोबारा से आप उसको करेक्शन कह सकते हैं, कभी क्रैश भी हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन कितना गिरता है। और अभी 2 दिन पहले हमने देखा ऐसा ही हुआ बिटकॉइन के केस में, जो एल सेल्वाडोर जो पहली दुनिया में कंट्री बन गई जिन्होंने लीगल टेंडर के तौर पे इसको एक्सेप्ट किया है, कि उससे अनाउंसमेंट से जो एक्चुअल डेवलपमेंट उससे पहले वो काफ़ी ऊपर गया एक हफ्ते के अंदर, और फिर एकदम से तकरीबन $7,500 से भी ज़्यादा का उसके अंदर डिप आया। तो ये पहली मरतबा नहीं हुआ ऐसा, पहले भी हो चुका है बिटकॉइन को लेके, काफ़ी दफ़ा हो चुका है, खासतौर पर इलॉन मस्क के जो इवेंट्स होते थे उसके आसपास वो पंप होता था और फिर जाके डिप हो जाता था। डोज कॉइन के साथ भी हो चुका है, और रिसेंटली हमने देखा है कि कार्डानो जो भी उसकी प्रोनंसिएशन है, उसका जो टोकन है ADA, उसमें भी हमने देखा 10 अगस्त को जो उनके बानी है उन्होंने जब बताया कि वो अपग्रेड करने वाले हैं सितंबर में, तो 10 अगस्त ऑनवर्ड्स तकरीबन अगले 10-12 दिनों के अंदर वो प्राइस उसकी डबल हो गई, 100% इंक्रीज आ गया। और उसके बाद हमने देखा कि दोबारा उसके अंदर डिप आया, यानी वो $3 से ऊपर भी चला गया था, फिर दोबारा गिर के तकरीबन 2.5 के आसपास आ गया, और एज वी टॉक अगर मैं अभी बात करूं तो इस वक्त भी 2.54 चल रहा है। तो अब 2-3 दिन रह गए हैं इस डेवलपमेंट को मैच्योर होने में, जो सितंबर 12 की अपग्रेड है कार्डानो ब्लॉकचेन की, तो क्या अगले 2-3 दिन में हम इस तरह का दोबारा से कोई पंप एंड डंप देखेंगे, कोई प्राइस सर्ज आने वाला या नहीं? इस पर बात करने के लिए आज मुझे ज्वाइन किया है मुकद्दस शहजाद साहब ने, जो कि एक चैनल चलाते हैं इल्मे आलम के नाम से और क्रिप्टो के हवाले से अपडेट करते हैं, बहुत क्लोजली इसको मॉनिटर करते हैं। पहले थोड़ा सा इस अपग्रेड के बारे में बात करते हैं, जरा इसके बारे में बताएं कि अपग्रेड बेसिकली क्या होने वाली है और इसमें क्या एक्सपेक्टेशंस हमारी। एक्चुअली कार्डानो का ये जो ब्लॉकचेन है जो 12 सितंबर को ये अपनी ब्लॉकचेन को अपग्रेड करने जा रहे हैं, करंटली जो इनकी ब्लॉकचेन है वो यूँ समझ लें कि सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। आपके पास कार्डानो है या आपको कार्डानो चाहिए तो आप एक दूसरे के साथ सिर्फ कार्डानो, यानी कार्डानो का जो टोकन है ADA, ADA जिसे बोलते हैं, सिर्फ आप उसका लेन देन आपस में कर सकते हैं करंटली। 12 सितंबर को ये एक्चुअली अपनी ब्लॉकचेन को एक इकोसिस्टम में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, एक ऐसी ब्लॉकचेन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर ना सिर्फ आप इसी ब्लॉकचेन के ऊपर ADA की ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड रख सकते हैं, बल्कि इथीरियम की तरह इनकी ब्लॉकचेन के ऊपर भी आपको DeFi टोकन्स लॉन्च होते नजर आएंगे। आजकल NFT का बुखार चढ़ा हुआ है पूरी मार्केट में, और जो सोलाना की प्राइस आपको ऊपर हवाओं में उड़ती नजर आ रही है वो NFT टोकन्स इस कार्डानो की ब्लॉकचेन के ऊपर भी लॉन्च हो सकते हैं। इसी तरह जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जिसको DEXs बोलते हैं वो लॉन्च हो सकते हैं, गेमीफाई टोकन्स लॉन्च हो सकते हैं। तो एक पूरा इकोसिस्टम जो है इसके बाद, यानी 12 सितंबर को अगर ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाता है, ऑलरेडी उन्होंने जो मास्टर नोड्स होते हैं, आपको इतना तो आपकी ऑडियंस को भी पता होगा कि जितनी ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है खसूस जो डिसेंट्रलाइज है, इनको जो पीछे रन करने वाली पावर्स होती हैं वो माइनिंग या मास्टर नोड्स उसे आप कह सकते हैं। तो ऑलरेडी इनका अलॉन्जो का जो एप्लीकेशन है अपग्रेड है वो मोर देन 60% मास्टर नोड्स में अपग्रेड हो चुका है। अब आज मेरा ख्याल है 9 सितंबर है, 2 दिन रह गए हैं, बाकी जो रह गए हैं मास्टर नोड्स वो फाइनली उसमें 12 सितंबर को अपग्रेड करेंगे, और उसके बाद पूरा एक इकोसिस्टम है जो कि उसके ऊपर लॉन्च होगा, और यही वो इट्स ऑल अबाउट दैट इकोसिस्टम, इट्स ऑल अबाउट दैट अपग्रेड। 10,000 से भी ज्यादा अल्ट कॉइन्स हैं और ऑब्वियसली सारे ही अपनी ब्लॉकचेन को अपडेट कर रहे होंगे, और हर टेक्नोलॉजी कंपनी में ऐसे ही देखने में आता है, पहले पहला वर्जन आता है फिर दूसरा तीसरा। तो व्हाट्स द बिग डील अबाउट कार्डानो, क्योंकि अगर हम देखें तो इथेरियम ने भी अनाउंस किया हुआ है तो अगले साल तक उनकी भी अपग्रेड आ रही है, तो कार्डानो की जो अपग्रेड है वो क्यों मैटर करती है? पहले नंबर पे तो मार्केट में 10,000 क्रिप्टो करेंसीज हैं लेकिन इस तरह की ब्लॉकचेन्स नहीं है, ब्लॉकचेन बहुत महदूद है, दर्जन में आप काउंट कर सकते हैं, 1 दर्जन या 2 दर्जन मैक्सिमम। बाकी जितनी आपने 10,000 की बात की है वो ब्लॉकचेन्स नहीं है बल्कि ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च किए गए टोकन्स हैं। जैसे मैं आपको कह रहा था कि अभी ये जैसे ही कार्डानो का अपग्रेड होगा 12 सितंबर के बाद, इसके ऊपर जो फिर टोकन्स लॉन्च होंगे उन टोकन्स की अपनी कोई ब्लॉकचेन नहीं होगी, वो इन्हीं के ब्लॉकचेन के ऊपर
अपना सारा डाटा रखेंगे, जितना उनका फिलॉसफी होगी बिजनेस फिलॉसफी, वो उस टोकन के ऊपर जो कुछ प्रोसेसिंग कार्य होंगे वो सारी की सारी इसमें। तो पहले तो मैं आपकी ऑडियंस को ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मार्केट में 10,000 ब्लॉकचेन्स नहीं है। ब्लॉकचेन बनाना इतना आसान नहीं है, इसको डेवलप करना, मेंटेन करना और मार्केट में कम्पीट करना। बहुत सी ऐसी ब्लॉकचेन्स हैं जिनका कभी आपने नाम, मैंने इतनी देर हो गई है मुझे मार्केट में 5-6 साल, मैंने आज तक नाम नहीं सुना होगा। तो ब्लॉकचेन्स बहुत महदूद हैं, तो इसकी अपग्रेड इस वजह से है कि, और आपने इथेरियम की भी बात की, इथेरियम की अपग्रेड भी होती रहती है, ब्लॉकचेन्स के अंदर अपग्रेड होना कोई मसला नहीं है, लेकिन ऐसी मेजर अपग्रेड होना कि वो एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाए, पिछली अपनी पोजीशन से एक नई पोजीशन में चले जाए, वो डिफरेंट होने जा रहा है, जो कि 12 सितंबर में ये कार्डानो में होना है। जो आपने इथेरियम की बात की है, अगले साल में इथेरियम इस वक्त है प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस सिस्टम पर। उस प्रूफ ऑफ कंसेंसस सिस्टम की वजह से इथेरियम के टोकन्स जितने हैं उनको मार्केट को कैप्चर करने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जैसे आप ऑक्सी इन्फिनिटी एक गेम है जिसका आगे मेरे फोन के साथ में आपके साथ जिक्र भी कर रहा था, तो उसके ऊपर फीस बहुत ज्यादा है इथेरियम की अगर आप बात करते हैं, तो उस इथेरियम की फीस को मिनिमाइज करने के लिए वो अपने इथेरियम को 2.0 में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो जो काम इथेरियम एक साल बाद करने जा रहा है, कार्डानो 12 सितंबर को करने जा रहा है। हमने देखा कि जब इन्होंने, जो इनके बानी है, उन्होंने जब ये बात की चाल साहब ने कि भाई हम अपग्रेड करने जा रहे हैं सितंबर में, तो उसके बाद हमने देखा तब से और अगले 10 अगस्त से लेकर और 22-23 अगस्त तक 100% इंक्रीज आज की प्राइस में डबल हो गई, उसके बाद फिर डिप आया। तो क्योंकि मार्केट्स जो है वो एडवांस में रिएक्ट करती हैं, वो इंतज़ार नहीं करती डेवलपमेंट का, जितना जल्दी उससे फ़ायदा उठाए इन्फॉर्मेशन से, तो क्या जो होना था इस इन्फॉर्मेशन को लेके मार्केट में वो हो चुका, या फिर आखिरी 2-3 दिन में, जैसे अक्सर मैंने जो इंट्रो में बताया कि हम एक्चुअल इवेंट के अराउंड एक हाइप देखते हैं, आपको नज़र आ रही है प्राइस अगले 2-3 दिन में ऊपर जाएगी? मैं अपना, मुझे नहीं पता प्राइस ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी। मेरा मानना यह है कि अगर ये 12 सितंबर को, ये जितनी आपको आप कह रहे हैं ना अगस्त से अभी तक जो प्राइस में आप हाइप नजर आ रहे हैं, मेरी नजर में ये कोई भी प्राइस में हाइप नहीं है, क्योंकि अभी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने कार्डानो के ऊपर अपने टोकन लॉन्च करने हैं, अभी वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि 12 सितंबर को जो अपना ये ब्लॉकचेन अपग्रेड करने जा रहे हैं, क्या वो सक्सेसफुल होगा या इथेरियम की तरह एक दो बार जैसे इथेरियम का अपग्रेड फेल हो गया, कहीं वो फेल ना हो जाए। अगर तो वो ये जो फियर ना हो कि भाई कहीं फेल ना हो जाए, कहीं वाकई सक्सेसफुल होता है या नहीं, अगर सक्सेसफुल होता है तो उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं, तो मेरा मानना यह है कि जो आप प्राइस की हाइप देख रहे हैं ये बहुत कम हाइप है। आप इमेजिन करें बड़ी बड़ी कंपनीज जो अपना गेमिंग टोकन लॉन्च करना चाहती हैं, जो अपने डीफाई टोकन्स लॉन्च करना, यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस टोकन्स लॉन्च करना, ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज जो इथेरियम के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके बैठी हुई हैं, वो इंतजार कर रही हैं कि कार्डानो के ऊपर आए, ताकि इथेरियम की फीस ज्यादा है, वो कार्डानो पे आके अपने टोकन्स लॉन्च करके मार्केट को कैपिटलाइज करें। तो मेरी नजर में 12 सितंबर के बाद अगर सक्सेसफुल हो जाता है, तो जितने लोग इंतजार कर रहे थे इसके सक्सेस का, वो मजीद इसके अंदर कैपिटल लाएंगे। तो किसी भी क्रिप्टो करेंसी की प्राइस जो है वो मैटर करती है उसके पीछे कैपिटल कितना है। तो इट ऑल डिपेंड्स, आपने मेरे से सवाल बुनियादी ये किया कि आप प्राइस को अप जाते देख रहे हैं या डाउन जाते देख रहे हैं। अगर तो इसकी प्राइस, अगर तो ये 12 सितंबर वाला अलोंजो अपडेट सक्सेसफुल हो जाता है, तो मैं इसकी प्राइस को इस साल के एंड तक $10 जाते देख रहा हूँ। मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, ये मेरा गैस है, गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरी असेसमेंट के मुताबिक इस साल के एंड तक अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है और मार्केट भी पॉजिटिव रहती है, कोई फंडामेंटल कोई बुरी खबर नहीं आती है क्रिप्टो मार्केट में, तो बिटकॉइन इसका कार्डानो का $10 को टच करना मुश्किल नहीं है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करके, ये वो सारा इकोसिस्टम, ये वो सारे टोकन्स हैं इंतजार कर रहे हैं कि कब कार्डानो अपनी ब्लॉकचेन को अपग्रेड करता है, अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की परमिशन देता है कि दूसरे टोकन्स इसके ऊपर लॉन्च करे। जैसे ही ये करता है तो ये देख रहे हैं जितने टोकन्स हैं, ये इसका स्टार्टिंग इकोसिस्टम है, ये जितने टोकन्स लॉन्च होंगे इसके पीछे जितना पैसा सरमाया आएगा सारे का सारा इसकी प्राइस को ऊपर बूम की तरफ लेके जाएगा। अच्छा, अब मैं दोबारा आता हूँ। इस वक्त जरा कॉइन मार्केट कैप, अगर आपकी ऑडियंस इसको समझती है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी की टोटल मार्केट कैपिटल, उसकी प्राइस, उसकी रैंकिंग सारा कुछ चेक कर सकते हैं।
अगर आप मजीद इसके बारे में लर्न करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे डिटेल आपको मिल जाएगी। ये आप अगर कॉइन मार्केट कैप पे कार्डानो की सिचुएशन देखें तो इस वक्त थर्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है ये मार्केट कैपिटल को देखें। इस वक्त तकरीबन 82 बिलियन अमेरिकन डॉलर इसके पीछे सरमाया है। और अगर ये प्राइस और 82 बिलियन डॉलर यानी 82 बिलियन डॉलर के ऊपर इसकी प्राइस तकरीबन $2.5 है, अगर इसने $5 को टच करना है तो सिर्फ इसको कितना यानी पीछे कैपिटल जो है वो दुगना करना पड़ेगा। मेरा मानना यह है कि अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो मैं नहीं समझता, जो कि इथेरियम आपको ऊपर नजर आ रहा है जिसकी मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ कि ट्रांजेक्शन फीस इतनी ज्यादा है, उसकी ट्रांजेक्शन फीस की वजह से बिजनेसमैन जितने तंग हैं सो हैं, जो यूजर्स हैं वो बहुत ज्यादा तंग है, तो वो सारे बिजनेसेस जो है वो माइग्रेट हो सकते हैं फ्रॉम इथेरियम टू कार्डानो। तो ये जो इथेरियम का सारा कैपिटल है जो कि $415 बिलियन है, $415 बिलियन का सरमाया, मुमकिन है वो माइग्रेट होके कार्डानो की तरफ आए, और ये भी मुमकिन है कार्डानो केम्बर के अंदर नए से नए बिजनेसेस लॉन्च हो। जिन लोगों को नहीं समझ, जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आकर जो है ये टोकन खरीद रहे हैं, लेके बैठे हैं या खरीदने का इरादा रखते हैं, उनको कैसे पता चलेगा कि ये जो अपग्रेड है ये कामयाब हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि जैसे पास में देखने में आया हुआ है, सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो कि आके हाइप क्रिएट करते हैं कि ये हर टोकन के बारे में ऐसे ही कहा जा रहा है, और इनफैक्ट कुछ बड़े इन्वेस्टर्स ने कंपेयर भी किया है .com बबल से कि उस वक्त भी ऐसे ही होता था, हर इंटरनेट कंपनी के बारे में कहा जाता था ये फ्यूचर चेंज करके रख देगी और इसके प्राइस जस्टिफाइड है, ये तो बहुत ऊपर जाएगी। तो हमें कैसे पता चलेगा इस पूरी हाइप में जब ये डेवलपमेंट होती है कि वाकई कामयाब हो गई या नहीं हो गई, और क्या हमें डेवलपमेंट का वेट करना चाहिए या उससे पहले अगर प्राइस में कोई मूवमेंट आ रही है तो उस पर डिसीजन लेने चाहिए? देखिए, जिस बंदे को इतना नहीं ना पता कि उसने क्रिप्टो करेंसी में होने वाली डेवलपमेंट से मतलब उसको कहां से पता चलेगा, इसका मतलब यह है कि उसने क्रिप्टो न्यूज के जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं उसको उसने सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरा ख्याल है उसको इन्वेस्टमेंट करनी नहीं चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक रिस्की बिजनेस है। कहीं पर भी आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आपको इतना सेंस नहीं है कि किस वक्त आपको एंट्री करनी है और किस वक्त आपको एग्जिट लेना है, तो यकीन करें अगर आपके पास $1 करोड़ भी है ना तो आप लूज कर देंगे। तो आप अपनी ऑडियंस को मैं यही रिकमेंड करें, मैं भी करता हूं अपनी ऑडियंस को, सबसे पहले लर्न करें, जितने सोशल मीडिया चैनल्स हैं सबको फिल्टर आउट करें जो आपको बेस्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से अपडेट करते हैं, और मार्केट के साथ अपडेट रहें, उसके बाद आप जाके करें। अभी जो दूसरा आपने इसमें यही प्रॉब्लम आ जाती है ना कि दूसरे पे मैं आता हूँ, लेकिन इसमें जो सवाल मेरा था यही था कि ज्यादातर लोग जो हैं मिलते हैं वो प्रोपोनेंट्स होते हैं, मतलब आपको नजर आता है कि ज्यादातर लोग प्रमोट करते हुए नजर आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस बहुत कम मिलता है। तो एक आम आदमी के लिए कैसे ये मुमकिन है कि वो फिल्टर आउट कर सके यार, कि क्रिटिकल एनालिसिस मिले जहाँ पर अगर डाउन साइड है रिस्क है उसको भी बताया जाए? क्या 2-4 बातें अगर कोई बता दें जो नोट करनी चाहिए? पता क्या, ये बड़ा अब्स्ट्रैक्ट सा क्वेश्चन है फारूक भाई। देखें, मैंने दोबारा पहले नंबर पे तो जो सही क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको आप इन्फ्लुएंसर्स कह रहे हैं, यूट्यूबर्स, वो जब भी कोई पेड प्रमोशन देते हैं, मेरी मिसाल ले लें तो मैं अपनी वीडियो के नीचे एक तो ये लिख देता हूँ कि ये पेड प्रमोशन है, साथ में ये कह देता हूँ कि ये आपको एजुकेशन के लिए इंफॉर्मेशन दी जा रही है, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। इसके साथ साथ मैं आपकी ऑडियंस को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, कॉइन मार्केट कैप पे जाएं या गूगल पे लिखें top 10 क्रिप्टो करेंसीज, उसके अंदर आप अपने जितना पोर्टफोलियो आपका माइंड है, अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट करना है तो किसी एक क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट ना करें। फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन है इस वक्त देखा जाए तो सबसे सेफेस्ट करेंसी है इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि सारे पैसे उसके अंदर डालें। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, इसके ऊपर मैंने भी वीडियोस बनाई हैं, शायद आपके चैनल्स पे भी हों, आपको सोशल मीडिया पे और ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो आपको इस हवाले से टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे। तो ये आपने खुद लर्न करना है, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम आपको ये बता सके कि मुकद्दस पाठ जो अगले क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताने जा रहा है वो रियल है या नहीं है, या वाकईतन वो आपकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरेगी या नहीं। ये सारा कुछ आपने खुद लर्न करना है, क्योंकि अपने पैसे के मामले में आपने खुद डिसीजन लेना है, और आपका डिसीजन जो है वो खुद रिसर्च बेस्ड होना चाहिए, ना कि किसी इन्फ्लुएंसर की मोटिवेशन के ऊपर। दूसरा सवाल रिमाइंड करवाता हूँ कि जाहिर है सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई ये तो डेवलपमेंट होने के बाद, अपग्रेड होने के बाद पता चलेगा। अभी जो हमारा फोकस अगले 2-3 दिन का, इसके अंदर अगर कोई हाइप वाइप नजर आती है तो क्या रिएक्शन होना चाहिए? मैं आपको बताता हूँ। देखें, मेरे पास मेरे चैनल पे, मैं दोबारा अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा अगर आप इजाजत दें तो।
यहाँ पे मेरे चैनल पे अगर आपकी कोई ऑडियंस आती है और आके ये वाली मेरी वीडियो देखती है जिसमें मैंने बताया कि मैंने कैसे कार्डानो से $600 की इन्वेस्टमेंट करके तकरीबन $19,000 मेरी वो वर्थ बनी हुई है $600 की। अच्छा, अब मैं आपको ये आपके सवाल का जवाब देने लगा, बावजूद इसके कि मेरी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसके बाद मैंने कार्डानो के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, लेकिन जैसे ही ये 12 सितंबर वाली अनाउंसमेंट हुई है, अब जब भी मार्केट कार्डानो की डाउन जाती है, यानी $3 से मार्केट क्रैश होकर $2.5 पे गई है, मैंने $1,000 मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने फिर बाय कर लिया। अभी फिर ये कल 2 दिन हो गए हैं मार्केट जो है वो सेल ऑफ प्रेशर में है, मार्केट फिर नीचे गई है, $2.40 पे मैंने एक ऑर्डर लगाया था $400 का, मैंने फिर $400 का। यानी मैं बताना आपको ये चाह रहा हूँ, मैं तो पूरी तैयारी कर रहा हूँ, जितनी बार कार्डानो डाउन जाएगा मैं बाय करूंगा। इस वजह से नहीं, अब मुझे कार्डानो में इंटरेस्ट नहीं है, अब मैं ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ कार्डानो के अंदर इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि जब इनका इकोसिस्टम लॉन्च होगा, जो टोकन लॉन्च होंगे उन टोकन को बाय करने के लिए आपके पास कार्डानो होना चाहिए। तो जो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके कार्डानो की अपने पर्सनल वॉलेट में सेव किए हुए हैं वो मैं कहीं भी यूज नहीं करना चाहता, उसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ। मजीद जो मैंने इनके इकोसिस्टम में अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट करना है, क्योंकि जब नए टोकन लॉन्च होते हैं वो मोस्टली सस्ती कीमत में होते हैं, मैं कार्डानो इस वजह से बाय कर रहा हूँ, जैसे ही वो लॉन्च हो अच्छे अच्छे कॉइन्स को सर्च करके, उनकी टीम को स्टडी करके, सस्ते दामों उनको बाय करके, साल 6 माह 1 माह मैं उनकी वैल्यूज को देखूंगा, जैसे 200% 300% हो जाएगा मैं उधर से अपने पैसे निकाल लूंगा। तो मैं आपके सवाल का जवाब ये देना चाहता हूँ कि मैं किसी भी डिप को एक अपॉर्चुनिटी समझता हूँ कार्डानो के लिए, अनटिल अनलेस के 12 सितंबर को नहीं आ जाता। अच्छा, ये इसका ये कतन मतलब नहीं है कि मैं बिल्कुल इसको रिस्क फ्री समझ के इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ मुझे इसका कोई पता नहीं है कि 12 सितंबर को इनका लॉन्चो अपडेट सक्सेसफुल होता है या नहीं, लेकिन मैं रिस्क ले रहा हूँ इस वजह से, उसकी वजह मेरा बिलीव है कार्डानो के ऊपर, उनकी टीम के ऊपर, चार्ल्स हॉस्किंसन के ऊपर, इस वजह से मैं रिस्क ले रहा हूँ। ये आपकी ऑडियंस पे डिपेंड करता है, वो लेना चाहते हैं वो ले, वो नहीं लेना चाहते तो वो नहीं ले, इसमें कोई उनको फोर्स नहीं कर रहा। अच्छा मुकद्दस, मुझे ये बताएं कि आप कह तो रहे हैं लेकिन बहुत आसान नहीं होता इसको गैस करना कि डिप जो है वो बेसिकली अपने बॉटम पर आ गया या मजीद नीचे जाएगा, तो कब बाय करना चाहिए, इसी तरह अगर चढ़ती है तो कितना ऊपर जाएगी। इस वक्त एज वी टॉक आपको क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स नजर आ रहे हैं ADA के अंदर, और साथ में अगर ये भी बता दें इस वक्त जो एक फेयर और ग्रीड इंडेक्स होता है जिससे अंदाजा लगाता है कि मार्केट का इस वक्त सेंटीमेंट क्या चल रहा है, उसकी क्या सिचुएशन है? पहले मैं फेयर एंड ग्रीड को डिस्कस कर लूं, स्क्रीन आपको अभी भी नजर आ रही होगी, ये एक वेबसाइट है alternative.me, यहां से आपको फेयर एंड इंडेक्स मिलता है फेयर एंड ग्रीड का। अब आपने चूंकि मेरे से फियर एंड ग्रीड का इंडेक्स पूछा है, चूंकि हमारा इंटरव्यू कार्डानो से रेलिवेंट है, तो ये मैं आपको बताता चलूं, ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपकी ऑडियंस को, ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स एक्चुअली कार्डानो का नहीं है, ये बिटकॉइन का है। तो बिटकॉइन में इस वक्त जो है जो सेंटिमेंट्स हैं इन्वेस्टर के वो फियर में, तो ये एक तरह का यू समझ लें कि वो है तो ये बिटकॉइन का फियर एंड ग्रीड, लेकिन इसको जो इन्वेस्टर्स हैं वो पूरी मार्केट में अप्लाई करते हैं अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए। तो मेरा मानना ये है कि कार्डानो की अभी भी लोग जो है वो फियर में हैं इस मार्केट को देखते हुए, ये एग्जैक्टली कार्डानो का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स नहीं है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तो मेरी नज़र में तो अभी भी अपॉर्चुनिटी है। अब जैसे आपने सवाल किया कि भाई डिप का कोई पता नहीं चलता, जो मैंने आपको बताया कि मैंने $400 2.4 यानी $2.40 पे बाय किया था, मेरे पास टोटल $1,400 थे, मैंने उसमें से $400 2.4 पे ऑर्डर लगा दिया, बाकी $1,000 को मैंने $2 पे लगा दिया कि अगर मार्केट और मजीद डिप करती है तो नीचे जाकर भी मेरा ऑर्डर प्रोसेस हो। तो ये एक तरीका कार है, ट्रिक है, मैं आपके ऑडियंस को समझाना चाह रहा हूँ कि अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कभी भी एक खास प्राइस पे सारी बाइंग ना कर लें या एक खास प्राइस पे सारी सेलिंग ना कर दें, स्पोर्ट लेवल मुख्तलिफ किस्म के स्पोर्ट लेवल पे जाके अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड करते जाएं। $1,000 इन्वेस्ट करना है तो $200 एक फास्ट प्राइस पे करें, $500 उससे नीचे करें, $500 इस तरह कर लें। इसी तरह सेल का टाइम आया है तो एकदम सारे सेल ना कर दें, एक खास प्राइस पे सेल करें फिर ऊपर सेल करें, इस तरह इस स्ट्रेटजी के साथ जाएं तो फिर वो मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और अभी आपको क्या नजर आ रहे हैं सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल इस वक्त? अच्छा, उसके लिए मुझे मेरा ख्याल है रेजिस्टेंस तो इसकी कार्डानो की $3 अबव ही है, ये डेली का चार्ट मैंने खोला है तो मेरी नज़र में तो ये ऑलरेडी एक सपोर्ट जो है $2 के करीब बनती है,
लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर इसकी आप हिस्ट्री चेक करें तो ये जो इसका रेजिस्टेंस बना हुआ था यहाँ पे, ये अब इसका सपोर्ट लाया वाला, तो इस वक्त ऑलरेडी एक खास सपोर्ट पे है ये इसकी प्राइस ना, ज्यादा से ज्यादा $2 मेरी नजर में सपोर्ट है, जहां पे मैंने आपको बताया कि मैंने $1,000 बाइंग लिमिट लगाई हुई है। तो अगर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर इसका नीचे सपोर्ट लेवल ये आ जाता है तकरीबन 1.16, 1.17 के करीब। तो ये सपोर्ट लेवल है, रेजिस्टेंस इसकी ये है। अब तो वैसे मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, जब भी कोई कॉइन जो है बूम कर रहा होता है, टू द मून का सफर कर रहा होता है, तो उसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं होती। इस वक्त चूंकि इस कॉइन की, सोलाना की और इसकी जो है हाइप है मार्केट में, तो जिस कॉइन की हाइप होती है उसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं होती है, वो हर दूसरे दिन जो है नई अपनी रेजिस्टेंस बना रहा था। शुक्रिया मुकंदर साहब ने हमें ज्वाइन किया और बहुत शॉर्ट नोटिस पे आपने ज्वाइन किया। आई नो यू आर वेरी बिजी वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट्स। एक बार मैं फिर से अपनी ऑडियंस को बता दूं, मुकद्दस भी बार बार कह चुके हैं आपसे, डिस्क्लेमर दे चुके हैं, मैं भी दे दूं कि इस वीडियो को करने का मकसद हरगिज़ किसी को इनकरेज करना नहीं है कि आप बाय करें या आप सेल करें। मकसद ये है कि जाहिर है लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है क्रिप्टो करेंसी में, लोगों ने इन्वेस्ट करना है इन एनी वे, तो लोग एजुकेशन चाहते हैं, लोग इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। तो हमारा मकसद था कि क्योंकि मुकद्दस एक चैनल चला रहे हैं जो बहुत ज़्यादा मॉनिटर करता है क्रिप्टो को, तो मुझे लगा कि इनको ऑन बोर्ड लेके इनसे बात की जाए, थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऐड हो जाएगा, क्योंकि मुझे आप लोग नॉर्मली सुनते रहते हैं और अपने मुकद्दस को भी सुना। तो मकसद ये है कि आप इसके रिस्क को समझें, और अगर दोबारा से ये कोई पंप और डंप वाला सीन होता है तो आपको ऑलरेडी पता हो कि ये चीज़ें मार्केट में होती हैं, पीछे क्या अनासर होते हैं और पहले भी होते रहे। और मेरे ख्याल में बस इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करूँगा कि कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट इसमें ना करें जिसको अगर आप लूज़ कर लें, क्योंकि बहुत ही हाई रिस्क मार्केट है, तो पता लगे आपको बड़ी परेशानी हो जाए, तो वो अमाउंट्स में इन्वेस्ट ना करें। और लॉन्ग टर्म व्यू लेना है, किसी कॉइन पे आप बिलीव करते हैं जैसे मुकद्दस ने कहा, और ज़रूरी नहीं है, मुकद्दस की अंडरस्टैंडिंग है कार्डानो की कि उनको लगता है ये लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा जाएगा, बट ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है, अगर आप उससे अग्री करते हैं तो फिर आप कर सकते हैं, अदरवाइज यू आर एंटाइटल्ड टू योर ओन व्यूज़, और आप अपनी रिसर्च भी कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे चैनल्स अवेलेबल हैं जो इस तरह की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जिनको आप सुनकर मैं आपको एजुकेट कर सकते हैं। आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी और ये वीडियो आप दोनों प्लेटफॉर्म्स पे देख सकेंगे, समा मनी पे भी और इल्म आलम पे भी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।